गाइज, अगर आप लोगों ने एक बार भी फ्लिपकार्ट का ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं लिया है तो दोस्तों आपके मन में बहुत सारे क्यूरीज होंगे इस ओपन बॉक्स डिलीवरी के रिलेटेड। फर्स्ट क्यूरी तो आपका यही होगा कि आखिर ये ओपन बॉक्स डिलीवरी है क्या चीज, किस तरह से ये ओपन बॉक्स डिलीवरी वर्क करता है, एंड क्या हमें ओपन बॉक्स डिलीवरी में सिर्फ हमारा प्रोडक्ट दिया जाता है जो कि हम मंगाते हैं, एंड उसके साथ जो भी बॉक्स है, जो भी पैकेजिंग वगैरह रहता है, वो सारा चीज हमें नहीं दिया जाता है। तो फिर बेनिफिट आखिर क्या है इस ओपन बॉक्स डिलीवरी का, क्यों ओपन बॉक्स डिलीवरी को मंगाए, एंड हाँ, क्या ओपन बॉक्स डिलीवरी में हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस फ्लिपकार्ट को पे करने पड़ सकते हैं। एंड कुछ ऐसे भी व्यूअर्स होंगे वो बोलेंगे कि मैंने तो बहुत सारी शॉपिंग की है तो मुझे तो कुछ इस तरह का ओपन बॉक्स डिलीवरी वगैरह नहीं देखने को मिला है। वेल, वीडियो में बस बने रहो दोस्तों, एंड तक बने रहो, आपका जो भी क्यूरी है इस ओपन बॉक्स डिलीवरी के रिलेटेड, उस सारे क्यूरीज का दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर मिलने वाला है। बस वीडियो को स्किप मत करना, स्किप करके देखते हो तो पहले ही बोलना, वीडियो को छोड़ दो क्योंकि आपके समझ नहीं आने वाली है। तो चले करते हैं दोस्तों वीडियो को फटाक से स्टार्ट। गाइज, अभी तक आप लोग फ्लिपकार्ट से नॉर्मल डिलीवरीज लेते हुए आ रहे हो, जैसे कि अगर आपने सीओडी करके रखा है तो सिंपली से डिलीवरी बॉय आएगा, आप उसे पेमेंट करोगे एंड वो आपको प्रोडक्ट देगा एंड टाटा बाय बाय खत्म। एंड अगर आपने प्रीपेड करके रखा है यूपीआई से पैसा, किसी तरह से आपने ऑनलाइन पैसे पे करके रखा है, तो उस केस में दोस्तों यहां से ओटीपी आपसे लिया जाएगा एंड आपका जो प्रोडक्ट है आपको देगा एंड वहां भी टाटा बाय बाय खत्म। बट इन केस दोस्तों जब आप उस बॉक्स को अनबॉक्स करते हो तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां की आपको जो प्रोडक्ट होता है उसमें कुछ डेंटेज रहते हैं, कुछ स्क्रैचेस रहते हैं, कुछ एक्सेसरीज मिसिंग रहते हैं, तो इस तरह के जो केसेस रहते हैं देन आप फिर रिप्लेस करने जाते हो, फिर रिफंड करते हो, तो उसमें दोस्तों आपके 7 से 8 दिन में आपका जो पैसा है रिफंड हो जाता है या फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो रिप्लेस हो जाता है। बट चलो यहां तक तो ठीक है, आपको रिफंड भी हो जाता है, आपका रिप्लेस भी हो जाता है। बट आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो एंड जब उसे अनबॉक्स करते हो देन आपका प्रोडक्ट ही मिसिंग रहता है। जी हां दोस्तों, उस प्रोडक्ट के जगह पे वहां पे आपको पत्थर देखने को मिलता है, वहां पे आपको दोस्तों बालू, गिट्टी, इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। तो इस केस में क्या होगा, आपका तो दोस्तों पैसा गया, आपके पास कोई सबूत भी नहीं बचेगा कि आपको प्रोडक्ट मिला था, आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिला था या जो आपका प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया था वही प्रोडक्ट आया था कि नहीं आया था, तो इसका आपके पास कोई सबूत भी नहीं बचेगा। तो इस तरह में क्या होगा, आप तो जानोगे कि फ्लिपकार्ट ने मेरे साथ ऐसा किया, बट आपके पता है कि फ्लिपकार्ट ऐसे काम नहीं करते हैं, जो बीच के डिलीवरी बॉयज रहते हैं, जो डिलीवरी कंपनियां रहते हैं वो ऐसी काम करती है। बट जो भी आपका ब्लीप था अभी तक फ्लिपकार्ट के साथ वो तो आपका खत्म हो गया एंड आपका जो पैसा गया वो भी नुकसान गया। तो डेट्स वाई दोस्तों इसी स्कैम, इसी फ्रॉड, जो भी आप बोल सकते हो स्कैम फ्रॉड से बचाने के लिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है फ्लिपकार्ट ने ओपन बॉक्स डिलीवरी। तो ओपन बॉक्स डिलीवरी में क्या होगा दोस्तों, जब भी आप किसी चीज ऑर्डर करते हो बोथ में, सीओडी में भी एंड प्रीपेड में, तो जब भी आपके सामने आपका डिलीवरी बॉय आएगा आपको प्रोडक्ट देने से पहले उस बॉक्स को वो अनबॉक्स करेगा एंड आपको चीज देगा, वो जो भी प्रोडक्ट है वो आपको देगा एंड आप खुद से उसे अच्छे से देखोगे। हाँ, जब बोल दोगे हाँ, आप सेटिस्फाइड होगे कि मेरा प्रोडक्ट सही है, जो चीज मैंने मंगाया सब कुछ सही है, देन अगर आपने सीओडी करके रखा तो पेमेंट करो, फटाक से कैश दो, एंड अगर आपने प्रीपेड करके रखा तो उस केस में ओटीपी दो। तो बेसिकली दोस्तों जो फ्रॉड्स होते हैं, इस तरह के जो स्कैम होते हैं, प्रोडक्ट नहीं मिलना, तो इस तरह के जो भी स्कैम होते हैं इसी चीज से अपने कस्टमर को बचाने के लिए बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया है सीओडी बोल रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे ओपन बॉक्स डिलीवरी। एंड हाँ, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो ओपन बॉक्स डिलीवरी है इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह पे नहीं करना है, बट यहाँ पे कुछ अभी गिने चुने पिन कोड्स पे ये ओपन बॉक्स डिलीवरी अवेलेबल है एंड सारे प्रोडक्ट्स पे भी नहीं मिलते भाई। अगर आप 200-300 का प्रोडक्ट मंगा रहे हो एंड वहां पे खोज रहे हो कि मुझे ओपन बॉक्स डिलीवरी देखने को मिल जाए, वहां पे नहीं मिलते हैं। जैसे कि कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कुछ महंगे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ज्यादातर तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स से ही मिलते हैं, जैसे कि फोन हो गया, फ्रिज हो गया, एलईडी टीवी वगैरह, इस तरह के जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है वहीं पे आपको सीओडी का, सॉरी अरे यार बार बार सीओडी क्यों बोल रहा है यार, जो ये ओपन बॉक्स डिलीवरी है वो आपको देखने को मिलेगा। तो अभी चलिए स्क्रीन पे ले चलता हूं, आपको दिखाता हूं कि आप किस तरह से ओपन बॉक्स डिलीवरी के लिए जब भी कोई प्रोडक्ट मंगाते हो तो उसको ओपन बॉक्स डिलीवरी के साथ मंगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक प्रोडक्ट लिया, यहाँ पे आईफोन 11 लिया एंड जैसे मैं आईफोन 11 को थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे जाता हूँ, यहाँ पे आप जस्ट देख सकते हो यहाँ पे ओपन बॉक्स डिलीवरी अवेलेबल देखने को मिल रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, नीचे बाय नाउ का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है, देन आपके सामने कुछ इस तरह का दोस्तों पॉपअप करके ऑप्शन आएगा, इसे आप पढ़ सकते हो, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है ओपन बॉक्स का पढ़ सकते हो एंड पढ़ने के बाद एग्री करना है, जो भी आगे का सेम प्रोसेस रहता है हर बार की तरह, यूजुअल पेमेंट करना है, सीओडी करना है, प्रीपेड करना है, जब भी करना आप कर दोगे। जब भी आप नेक्स्ट टाइम आपके सामने जो डिलीवरी बॉय आएगा तो पैसे देने से पहले या फिर ओटीपी वगैरह देने से पहले आप प्रोडक्ट को अच्छी तरह से चेक कर लेना, तो यहाँ से आप बच सकते हो इस तरह के स्कैम फ्रॉड से। आई होप कि जो भी आपका कॉन्सेप्ट था दोस्तों वो सारा चीज क्लियर हो गया एंड आई होप कि दोस्तों ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के और वीडियोस अगर आप इस चैनल पे देखना चाहते हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना एंड एक प्यारा सा दोस्तों कमेंट भी छोड़ देना नीचे, अगर आपको लगे कि हाँ वीडियो हेल्पफुल है तो एक कमेंट प्यारा सा जरूर कर देना। तो दोस्तों तब तक के लिए
जय हिंद। इस तरह के वीडियो के साथ दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम।